ओके सो हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस कैसे हैं आप सभी, आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। तो गाइस आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है, वीडियो का टाइटल थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे। तो गाइस इस वीडियो में जितने बैकग्राउंड पिन जिसका मैं यूज़ करने वाला हूँ सभी का लिंक आप सभी को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप सिंपली वीडियो देखने के बाद जाकर डाउनलोड कर लेना। एंड गाइस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बस एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को अब तक लाइक नहीं की तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए गाइस आज इस वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस सबसे पहले आप सभी को करना है कि आप सभी को उस बैकग्राउंड को सिंपली डाउनलोड कर लेना है। एंड गाइस उसके बाद जाना है आप सभी को ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस यहां से आप सभी को अपने मॉडल को यहां पे सिंपली ऐड कर लेना है, ठीक है। ऐड करने के बाद आप सभी कुछ इस टाइप से आपको अपने मॉडल को इस अम्ब्रेला के पास कुछ इस टाइप से रख देना है, ठीक है। इतना कर देने के बाद आप सभी को फिर क्या करना है, आप सभी को पहले तो मैं इसका थोड़ा अच्छे से थोड़ा साइज़ को उसको मैनेज कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो गाइस जहाँ पे जो है हमने अपने मॉडल को यहाँ पे इतना परफेक्ट है। अब उसके बाद हमें आप थोड़ा सा इरेज़र टूल में जाके इसके हार्डनेस से फुल करके थोड़ा सा नीचे की तरफ देख लेते हैं कुछ रिस्क करने के लिए है कि नहीं, ठीक है। तो अब मैं साइज़ को भी थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, ऐसा हम फोटो को जूम करेंगे। यानी कि जहाँ तक मुझे लगता है कुछ इरेज़ करने की ज़रूरत है नहीं इसमें, बट यहाँ पर हमें थोड़ी सी लगती है कि यहाँ से इरेज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम हल्का सा इरेज़ कर लेंगे, जो कि मतलब कि यहाँ पे शूज़ थोड़ा सा नीचे की तरफ आ रहा है, तो यहाँ से हम थोड़ा इरेज़ कर लेंगे। बाकी इसमें ज़्यादा कुछ इरेज़ करने के लिए है नहीं, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली शेडो बना देंगे, ठीक है। तो यहाँ से सिंपली डन कर लेते हैं। अब इसमें मतलब कि डन नहीं करना है, यहाँ से हमें ऐड फोटो में जाना है, ठीक है। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस यहाँ से आप सभी को एक शेडो का PNG मिलेगा। तो आपको इस PNG को जो गाइस आप सभी को नीचे की तरफ ले जाना है इसको, ठीक है, कुछ इस टाइप से जूम करके। एंड यहाँ से ले जाने के बाद आप सभी को अपने पैरों के पास लगा देना है, ठीक है। मतलब कि शेडो पे मतलब कि लगना चाहिए कि हमने शेडो हमारी पहले से ही है, ठीक है। इस तरीके से आपको लगाना है। तो इसको मैं डाउन कर दूंगा आपको नीचे की तरफ, एंड इसको डुप्लीकेट करके एंड इस वाले पैर के पास भी ले जाकर इसको मैं यहाँ पे सिंपली कुछ इस टाइप से लगा के डाउन कर दूंगा, ठीक है। तो इतना कर देंगे। एंड उसके बाद गाइस आप सभी को ज़्यादा कुछ करना नहीं, यहाँ पे जो हमारी शेडो है यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट लग रही है। तो आप क्या करना, आप सभी को यहाँ पे डन कर देना है। एंड उसके बाद गाइस आप सभी को जाना अगेन ऐड फोटो में, एंड आप सभी को एक PNG और लेना है, ये वाला डार्कनेस का, ठीक है। तो आप सभी को यहाँ PNG ले लेंगे विगनेट का। एंड उसके बाद आप सभी कुछ इस टाइप से फुल स्क्रीन कर देना है, ऑटोमेटिकली इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो आप सभी को कुछ इस टाइप से लगा देना है। एंड उसके बाद गाइस यहाँ पे आप सभी को इसको डन कर देना है। एंड गाइस उसके बाद आप सभी को फिर क्या करना है, आप सभी को यहाँ से थोड़ा सा ना टूल्स का एडजस्ट में जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा एडजस्ट का काम है, जहाँ पे आपको ब्राइटनेस को बढ़ा देना है। इरेज़र टूल में जाना है, यहाँ से इन्वर्ट कर देना है ब्रश के साइज़ को थोड़ा सा, मतलब इतना छोटा करके, ठीक है। तो साइज़ को मैं थोड़ा बढ़ा लेता हूँ यार ना, तो साइज़ को हम इतना कर लेंगे। एंड उसके बाद गाइस आप सभी को जिस टाइप से आपको अपने कपड़ों के ऊपर पेंट करना है, ठीक है, कुछ इस टाइप से पेंट कर देना है। थोड़ा नेक के ऊपर भी कर देते हैं। एंड यहाँ पे कर देने के बाद आप जो थोड़ा सा अमाउंट ऊपर की तरफ बढ़ा के रख देना है। एंड साइड में जो एरियाज को इरेज़ कर लेते हैं, एंड उसका जो अमाउंट कुछ इतना रख के एंड डन कर देना है। एंड उसके बाद गाइस आप लोग ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आप अपनी फोटो को कर लेना सेव। एंड जो करने कलर क्रिएशन जो भी करते हैं लाइट रूम ऐप के अंदर, तो सिंपली हम यहाँ से बैक चलेंगे लाइट रूम ऐप को अपने ओपन कर लेंगे। एंड गाइस जब तक हमारा लाइट रूम ऐप ओपन हो रहा है, अगर अभी तक आप सभी ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ यार वीडियो एक लाइक जरूर कर देना, क्योंकि यार आपके एक लाइक से बहुत मोटिवेशन मिलता है और वीडियो लाने में काफ़ी अच्छा लगता है। तो प्लीज़ यार वीडियो एक लाइक जरूर कर देना। और अगर आप में से कोई भी भाई मेरे चैनल पर नया है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि यार मैं जो भी वीडियो डालूँ उसकी अपडेट आप सभी को टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना। तो चलिए गाइस अब हम बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो गाइस यहाँ पे जो हमारी फोटो ऐड हो चुकी है, तो उसको हम यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, इसके ऊपर एक बार टैप करेंगे, जिसको हम ओपन कर लेंगे, ठीक है गाइस। तो उसको हम ओपन कर लेते हैं यहाँ पे। एंड उसके बाद जो है आप सभी को फिर क्या करना है, आप सभी को इसमें थोड़ा सा कलर एडजस्ट करना है, ठीक है। और सॉरी लाइटिंग एडजस्ट करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, साइड में से लाइट वाले ऑप्शन में जाएंगे, कॉन्ट्रास्ट को जो हम थोड़ा बढ़ा देंगे, जो हाईलाइट है इसको थोड़ा कम इसको भी कम कर देंगे, ठीक है। इसको हम फिर शेडो है जिसको बढ़ा देंगे, वाइट को हम थोड़ा कम करेंगे यहाँ पे, जो ब्लैक है इसको हम बढ़ा देंगे, ठीक है। इतना करने के बाद आप जाना है कलर्स में, फिर वाइब्रेशन को बढ़ा देना है, टेम्परेचर को थोड़ा माइनस कर देना है, ठीक है। उसके बाद जाना आप सभी को कलर्स मिक्स में, एंड उसके बाद ऑरेंज कलर सेलेक्ट करना है, सैचुरेशन को माइनस कर देना है, एंड ल्यूमिनस को बढ़ा देना है। एंड गाइस उसके बाद आप सभी को फिर क्या करना है, आप सभी को यहाँ से थोड़ा सा ल्यूमिनस कम कर लेते हैं, एंड यहाँ से आप सभी को थोड़ा सैचुरेशन भी माइनस कर लेते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आप सभी को जाना है येलो कलर में, इसके ह्यू को माइनस कर देना है, सैचुरेशन को भी माइनस कर देना है, ठीक है। एंड उसके बाद जाना ग्रीन कलर में, इसके ह्यू को माइनस करना है और प्लस को सैचुरेशन को प्लस कर देना है। एंड जाना ब्लू कलर में, इसके ह्यू को माइनस कर देना है, चाहो तो आप स्काई ब्लू भी कर सकते हो, डार्क ब्लू भी कर सकते हो अपने स्काई को, ठीक है, बाकी आपकी मर्जी है। तो मैं यहाँ पर डन करता हूँ। उसके बाद जाएंगे हम कलर्स के नीचे वाले टूल में, फोटो की जो क्लियरिटी हम इसको बढ़ा देंगे, एंड जो विगनेट है इसमें हल्का सा विगनेट डाल देंगे, ठीक है। इतना कर देने के बाद आप सभी को फिर क्या करना है, आप सभी को जो ग्रेन अमाउंट इसको थोड़ा बढ़ा देना है। एंड उसके बाद गाइस हम जाएंगे नीचे वाले टूल में, फोटो की जो शार्पनेस हम इसको बढ़ा देंगे, एंड जो नोइड रिडक्शन है आप सभी को इसको भी बढ़ा देना है, ठीक है। एंड जो कलर नोइड रिडक्शन है आप सभी को इसको भी बढ़ा देना है। एंड गाइस जितना ही बस, और आप सभी के सामने जो फोटो का रिजल्ट है वो आप सभी के सामने है। तो गाइस आई होप कि यार आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ यार वीडियो की लाइक जरूर कर देना। एंड यार मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि यार नेक्स्ट टॉपिक किसके ऊपर वीडियो लानी चाहिए, ठीक है। तो टॉपिक जरूर बताना। बाकी गाइस मैं मिलता हूँ सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।